नमस्कार मित्रों, मैं पवन शर्मा, अनुदेशक फिटर, माँ गुलजारी भरत ITI के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, जैसा आपकी आपको पता है कि आपका सूक्ष्मापी यंत्र जो है चल रहा था, जिसमें आपको माइक्रोमीटर के बारे में बता दिया गया था। इसमें आपको बताया गया था कि माइक्रोमीटर क्या है, मतलब इसका बेसिक परिचय बताया गया था, इसके पार्ट्स और इसका मटेरियल बताया गया था, प्रिंसिपल बताया गया था, और इसका लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है ये बताया गया था, और यह कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या उपयोग है, ये सारी कुछ जानकारियाँ जो है पीछे की वीडियोस में दी जा चुकी हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। आज मैं आप लोगों को बर्नियर बीबेल प्रोटेक्टर के बारे में बताऊँगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, प्रोटेक्टर का नाम सुने होंगे, प्रोटेक्टर को हिंदी में चांदा कहा जाता है। चांदा क्या होता है? एक कोण मापने और चेक करने वाला औजार होता है, ठीक है। तो देखिए, कोण क्या होता है? कोण का मतलब होता है इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन, मतलब दो रेखाओं के मध्य जो झुकाव होता है उसे कोण कहा जाता है। इसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा इत्यादि जो अक्षर है इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर क्या है? एक ऑर्डिनरी एंगल मेजरिंग क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एक साधारण कोण मापी यंत्र होता है, जिसके द्वारा हम लोग अधिकतम 1 डिग्री की एक्यूरेसी में मेजरमेंट कर सकते हैं। डिग्री देखिए क्या है, डिग्री जो है कोण मापने की यूनिट है, जैसे कि लंबाई की यूनिट मीटर होती है, ठीक है, उसी तरह डिग्री क्या है, कोण मापने की यूनिट है। तो देखिए, यूनिट की चर्चा हो रही है तो कोण मापने की और भी यूनिट होती हैं, जिसे मिनट होता है, सेकेंड होता है, डिग्री से छोटा मिनट होता है। एक डिग्री बराबर आपका जो है 60 मिनट होता है, और एक मिनट बराबर जो होता है 60 सेकेंड होता है। ये दो चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसका उपयोग इसमें होने वाला है अभी। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। ये आपका समय की बात नहीं हो रही है, ये कोण की बात हो रही है, ठीक है। तो मिनट को 1 डैश से और सेकेंड को 2 डैश से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं बर्नियर बीबेल प्रोटेक्टर के बारे में। देखिए, बर्नियर बीबेल प्रोटेक्टर जो है एक कोण मापने या फिर चेक करने का सूक्ष्म मापी यंत्र है, यानी कि इससे हम लोग प्रिसाइज एंगल मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं, मतलब सूक्ष्म कोण को हम लोग माप सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं होता कैसा है। तो ये चित्र बना है बर्नियर बीबेल प्रोटेक्टर का ही है, ये चित्र जो है, चित्र में आपका बर्नियर बीबेल प्रोटेक्टर ही दिखाया गया है। इसमें देखिए, सबसे बाहर का जो भाग होता है इसको डिस्क बोला जाता है, और डिस्क के अंदर क्या होता है, डायल होता है। डायल पे जो स्केल बनी होती है उसको बोलते हैं मेन स्केल। अब यह मेन स्केल जो है डिग्री में बनी होती है, डिग्री, ठीक है, जिसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये डिग्री में ये सारा पैमाना है। इस पे 360 डिग्री तक पैमाना जो है बना होता है, किस पे? डायल पे, ठीक। अब डायल के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो उस पे आपका जो है बर्नियर स्केल बनी होती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जहाँ भी दो स्केलों का कंपैरिजन हो गया तो वहाँ पे क्या होता है, बर्नियर का सिद्धांत लागू हो जाता है। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट को बर्नियर बीबेल प्रोटेक्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बर्नियर का सिद्धांत कार्य करता है, यानी कि जैसे बर्नियर कैलिपर से रीडिंग ली जाती है वैसे ही हम लोग इससे भी रीडिंग लेंगे। अब देखिए, इसमें एक ब्लेड होता है और एक स्टॉक होता है। ब्लेड दो साइजों में उपलब्ध होता है, एक 15 सेंटीमीटर का होता है और दूसरा जो ब्लेड होता है 30 सेंटीमीटर का होता है। एक छोटा ब्लेड होता है और एक क्या होता है, बड़ा ब्लेड होता है। इसमें एक एक्यूट एंगल अटैचमेंट लगा होता है जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। एक्यूट एंगल अटैचमेंट से हम लोग क्या करते हैं कि इसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं कि यह इंस्ट्रूमेंट जो है मापों को सही से ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ब्लेड के दोनों जो
दोनों इंड होते हैं अलग अलग कोण पे होते हैं, एक इंड 45 पे होता है और दूसरा जो है आपका 60 डिग्री पे होता है, और यू स्लॉट कटा होता है इसकी पूरी लंबाई में। ये दोनों लॉकिंग नट है, ठीक है। लॉकिंग नट का जो मटेरियल है माइल्ड स्टील होता है, बाकी जो आपका जो मटेरियल है हाई स्पीड स्टील का बना होता है या फिर वैनेडियम स्टील का, इसको भी बनाया जाता है। तो इसका ये बेसिक पार्ट्स हो गया, और इसका मेन काम क्या है, एंगल मेजर करना या फिर चेक करना। तो चलिए, अभी आपको बताया गया था पहले बर्नियर कैलिपर के दौरान कि जब भी बर्नियर पर आधारित किसी भी औजार से हम लोग माप लेते हैं तो सबसे पहले हमें उस औजार का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, अल्पत मांग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस औजार का लीस्ट काउंट निकालेंगे। लीस्ट काउंट निकालने की प्रोसेस क्या होती है कि मेन स्केल की जीरो लाइन और बर्नियर स्केल की जीरो लाइन को एक सीध में सबसे पहले किया जाता है। तो जब जीरो लाइन के एक सीध में करते हैं तो कुछ इस प्रकार हमारा जो है चित्र बन के आएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार जो है चित्र बनेगा, ये आपकी बर्नियर स्केल है, ऊपर जो है मेन स्केल है। तो जब दोनों देख रहे हैं यहाँ पे जीरो एक दूसरे के सीध में है, तो देखिए क्या हो रहा है, बर्नियर का 3, 3, 6, 9 और ये 12वां खाना जो मेन स्केल का क्या है 23वें खाने से क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे 20, 21, 22 और 23, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले बर्नियर स्केल, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा मेन स्केल। बर्नियर स्केल का 12 डिवीजन और मेन स्केल का 23 डिवीजन क्या है, एक दूसरे के इक्वल है या फिर इक्विवेलेंट है कह सकते हैं। एक डिवीजन जो है मेन स्केल का, आपको शुरू में ही बताया गया था कि एक डिग्री के बराबर होता है, तो 23 डिवीजन कितना होगा, एक डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 डिवीजन क्या हो जाएगा, 23 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23/12, ठीक है। यानी कि बर्नियर स्केल का एक खाना जो है एक डिग्री से कुछ ज़्यादा है, यहाँ से आपको पता लग रहा है, ठीक है। देखिए बर्नियर स्केल का एक खाना जो है मेन स्केल के एक खाने से थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख रहे होंगे। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट का फार्मूला आपको बताया गया था कि मेन स्केल माइनस के बर्नियर स्केल होता है। बर्नियर स्केल का एक खाना इतना आया है तो यहाँ पर रख दीजिए 23/12, और मेन स्केल का एक खाना क्या है, एक डिग्री है, लेकिन यह जो है एक डिग्री से ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेन स्केल के दो खाने लेंगे तो यहाँ पे 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 24 माइनस के 23/12 या फिर 1/12 डिग्री, ठीक है, 1/12 डिग्री। अभी आपको बताया गया था कि एक डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक। तो लिस्ट काउंट आपका निकल गया है 1/12 डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट, तो 1/12 डिग्री में क्या होगा, 1/12 × 60 या फिर 12×5 = 60, 5 मिनट। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो लिस्ट काउंट होता है क्या होता है, 5 मिनट होता है, ठीक है। अब देखिए लिस्ट काउंट का मतलब क्या है, अभी आपको बताया गया है कि जो बर्नियर स्केल का एक खाना है वो एक डिग्री से कुछ ज़्यादा है, तो लिस्ट काउंट आपका 5 मिनट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि 5 मिनट क्या है, बर्नियर स्केल का एक खाना जो है 5 मिनट ज़्यादा है किस से, मेन स्केल के एक खाने से, या फिर कह सकते हैं कि बर्नियर स्केल का एक खाना एक डिग्री से 5 मिनट अधिक है। यानी कि एक डिग्री में अगर 5 मिनट जोड़ दिया जाए
तो बर्नियर स्केल के एक खाने के बराबर हो जाएगा। ये तो था हमारा बर्नियर के सिद्धांत से इसका लिस्ट काउंट। हम लोग चाहे तो डायरेक्ट फार्मूले से भी इसका लिस्ट काउंट जो है निकाल सकते हैं। आपको बताया गया था लिस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है क्या होता है, लिस्ट काउंट बराबर होता है वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब मेन स्केल के एक खाने का मान, एक खाने का मान क्या होगा एक डिग्री, बटा बर्नियर स्केल पर कुल खानों की संख्या 3 × 12, ठीक है। तो 1/12 डिग्री 60 से गुणा कर दीजिए तो 5 मिनट, ठीक है। तो ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर इंटरव्यू वगैरह में आप लोगों को सिद्धांत से ही पूछते हैं, तो सिद्धांत से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए लिस्ट काउंट हमारा निकल गया, तो माप कैसे हम लोग लेंगे। माप लेने के लिए वही फार्मूला अपनाया जाएगा, टोटल मेजरमेंट बराबर क्या होता है मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल। तब सबसे पहले मेन स्केल की माप निकालेंगे, फिर क्या करेंगे बर्नियर स्केल की माप निकालेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप ऐसे घुमाएंगे तो इधर वाली बर्नियर स्केल का इस्तेमाल करेंगे, और जब ये ऐसे घूमेगा तो इधर वाली बर्नियर स्केल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ पे ये पोजीशन बनी है, ये इधर घुमाया गया है, ठीक। ये हमारा जीरो वाली लाइन जो है इधर आई है, तो इसका मतलब क्या है इधर वाली बर्नियर स्केल इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जीरो वाली लाइन कहाँ है, तो आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 3 के थोड़ा सा आगे है, तो 3 के थोड़ा सा आगे है, यानी कि 3 डिग्री हो जाएगा इसका मेन स्केल की रीडिंग। और बर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकालेंगे, देख लेंगे कि बर्नियर स्केल का कौन सा खाना मेन स्केल के किसी खाने से ठीक सीधा मैच कर रहा है। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं कि ये वाला खाना मैच कर रहा है, तो 7वां खाना मैच कर रहा है, तो 7 × 5 से गुणा कर देंगे तो 3 डिग्री और 7 × 5 = 35 मिनट। तो ये जो हमारी रीडिंग हो जाएगी 3 °, 35 मिनट। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में अगले सूक्ष्म मापी यंत्र के बारे में देखा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।